अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार और उद्योग के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि भारत ने पिछले महीने अधिकांश निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद से 4,69,202 टन गेहूं की शिपमेंट की अनुमति दी है, लेकिन कम से कम 1.7 मिलियन टन बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है और मानसून की बारिश से इसको नुकसान भी हो सकता है। वहीं एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जिन शिपमेंट की अनुमति दी गई है उन्हें मुख्य रूप से बांग्लादेश, फिलीपींस, तंजानिया और मलेशिया में ले जाया गया है। अधिकारी का कहना है कि प्रतिबंध ने मई में भारतीय गेहूं के निर्यात को 1.13 मिलियन टन तक कम कर दिया, जो अप्रैल में रिकॉर्ड 1.46 मिलियन टन था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने यह बैन इसलिए लगाया था क्योंकि इस बार चिलचिलाती गर्मी से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है और पिछले वर्ष के मुकाबले कम रह सकता है। इसी कारण गेहूं के दाम ऊंचाई पर देखने को मिले थे। उन शिपमेंट के लिए अपवादों की अनुमति दी गई थी जो पहले से जारी किए गए क्रेडिट के पत्रों द्वारा समर्थित थे और उन देशों के लिए जिन्होंने अपनी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपूर्ति का अनुरोध किया था। भारत से कुछ गेहूं के जाने के बाद भी विभिन्न बंदरगाहों पर कम से कम 1.7 मिलियन टन का गेहूं है, जिसका मानसून की बारिश से खराब होने का खतरा है। प्रतिबंध से पहले निर्यातकों ने असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में बंदरगाहों पर गेहूं पहुंचा दिया था, क्योंकि तब फसल के मजबूत होने की उम्मीद थी और सरकार उन्हें यूक्रेन में युद्ध के कारण, काला सागर से आपूर्ति नहीं होने के कारण ज्यादा डिमांड और कम आपूर्ति से पैदा हुए अंतर को भरने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि नई दिल्ली इस साल 8 मिलियन टन से 10 मिलियन टन या इससे भी अधिक के शिपमेंट को अधिकृत करेगी, जबकि पिछले साल 7.2 मिलियन टन थी। कुछ डीलरों का मानना है कि कांडला और मुंद्रा पोर्टों पर सबसे ज्यादा गेहूं का स्टॉक है। डीलरों के मुताबिक कांडला और मुंद्रा पोर्टों पर दोनों का गेहूं स्टॉक मिलाकर 1.3 मिलियन टन गेहूँ हो सकता है। उनके अनुसार सरकार को तुरंत निर्यात परमिट जारी करने की आवश्यकता थी, क्योंकि बंदरगाहों पर गेहूं खुले में है और आसानी से मानसून की बारिश की चपेट में आ सकता है। भारत में मानसून के दौरान जून से सितंबर तक भारी वर्षा होती है। डीलरों ने आगे कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अगर बारिश से स्टॉक खराब हो जाता है तो इससे भी कोई फायदा नहीं होता। डीलरों के अनुसार गेहूं को बंदरगाहों से बाहर और शहरों में स्थानीय खपत के लिए ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि व्यापारियों को लोडिंग और परिवहन शुल्क पर अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती। डीलरों का कहना है कि सरकार को सरकार से सरकारी सौदों के लिए बंदरगाहों पर पड़े गेहूं के निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। गेहूं की कमी का सामना कर रहे कई देशों से भारत को 1.5 मिलियन टन से अधिक गेहूं की आपूर्ति करने के अनुरोध प्राप्त भी हुए हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।